अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर की जॉब्स का ऐलान किया है। कल रात से ये जो 41st एडवर्टाइजमेंट है वो मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दश कर रहा था, नज़र आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे खुद कन्फर्मेशन नहीं थी कि PPSC ने ये पब्लिश भी किया है या किसी ने फेक अपने तौर पर बनाकर नेट पर अपलोड कर दिया है। तो जब तक कोई चीज़ भी PPSC की अपनी वेबसाइट पे ना आए तब तक मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूं। अब चूंकि सुबह सुबह आज ही PPSC ने वेबसाइट पे ये चीज़ अपलोड कर दी है तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दी जाए। 1700 प्लस लेक्चरर जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे इस फेज में। इसमें आपके सामने जो लेक्चरर फीमेल और लेक्चरर मेल शो हो रहा होगा, अपनी पोस्ट इसमें देख लीजिएगा आपके रिलेटेड कितनी पोस्ट जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। फीमेल की टोटल पोस्ट जो हैं वो 1359, स्पेशल पर्सन्स, माइनॉरिटी कोटा और ओपन मेरिट तीनों चीज़ों को मिलाकर 1359 पोस्ट्स अनाउंस की गई हैं, जबकि ओपन मेरिट की 1226 हैं, जबकि लेक्चरर मेल की जो पोस्ट्स हैं वो 372, जिसमें से ओपन मेरिट 332 पोस्ट्स अनाउंस की गई हैं पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंटमेंट के लिए। आपकी पोस्ट जिस टॉपिक के रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड है, वो यहाँ पे देख लीजिएगा या PPSC की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी 41st 2021 एड जो है वो मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है उन लोगों को सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा ऑलरेडी। जिन्होंने पहली दफ़ा अप्लाई करना है उनके लिए मैं चीज़ें रिफ्रेश कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन मास्टर डिग्री चाहिए अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड या उसकी कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि हमने BS किया है तो यस, BS भी मास्टर्स के इक्विवेलेंट ही है। अगर आपने MSc की है या BS किया है तो वो दोनों एक ही डिग्रीज कंसिडर होंगी, ठीक है, मतलब एक ही तरह की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंसिडर होगी। मास्टर्स का मतलब होता है 16 years ऑफ एजुकेशन, वो चाहे आपने BS में किया हो चाहे आपने MSc की हो, तो दोनों जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। इसमें एक चीज़ जो बीच में एक्स्ट्रा है वो ये कि इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए थर्ड डिवीजन विद डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी विल आल्सो बी एलिजिबल। एटलीस्ट सेकंड डिवीजन चाहिए, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए ये रियायत है कि अगर उनकी थर्ड डिवीजन है तो उसके साथ उन्हें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश का डिप्लोमा है वो भी साथ अटैच कर दें तो उनकी थर्ड डिवीजन भी एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद एजेस जो हैं वो दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट हैं। मेल की जो एज है वो 33 years मैक्सिमम, मेल और मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 33 years मैक्सिमम एज है इसमें रिक्वायर्ड है, जबकि फीमेल के लिए 36 years एज की रिलैक्सेशन है, 21 से 28 और 8 years की जनरल एज रिलैक्सेशन जो सब के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ओवरऑल 36 एज मेल के लिए, 33 एज मेल, फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पंजाब का डोमिसाइल आपको चाहिए होगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब जो टेस्ट आएगा इसका उसमें 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे और 20% क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे। अब आपने इस टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है ये भी हम आपको थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर करना है अपनी कोर्स की बुक्स से। अब कोर्स की बुक्स में आपने BS जो आपने किया है उसकी, और कोशिश करें कि जो MSc लेवल की बुक्स हैं उनसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा उसने जो कि मास्टर्स डिग्री आपसे डिमांड किया है तो वो क्वेश्चंस भी आपसे मास्टर डिग्री के रिलेटेड ही मोस्टली पूछेगा। और अगर आप FSc की और BSc की किताबों को रटा लगाते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिस हो जाएंगे बीच में से। MSc की बुक्स से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है लोगों का, उनके अकॉर्डिंग MSc BSc इन दोनों को प्रिपेयर करना बेस्ट होता है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। कोर्स की बुक्स ही बेस्ट रहती हैं। आमतौर पर लोग पीछे पड़ जाते हैं, डोगर वाली, एडवांस वाली, हर सब्जेक्ट के लिए वो एक अलग किताब ढूंढना चाह रहे होते हैं, हर पोस्ट के लिए वो एक अलग किताब ढूंढना चाह रहे होते हैं, जूनियर क्लर्क के लिए जूनियर क्लर्क की किताब खरीदते हैं, ज़ूलॉजी के लिए ज़ूलॉजी की डोगर की किताब खरीदते हैं, बॉटनी के लिए बॉटनी की ज़ूलॉजी एडवांस की किताब खरीदते हैं।
तो बेस्ट यही है कि आपकी जो प्रीवियस बुक्स हैं, जहां से आपने पढ़ा है, जो आपके माइंड के अंदर एक स्केच मौजूद है, जिसकी आपको प्रैक्टिस है, जिन बुक्स को पढ़ने की 2 साल आपने पढ़ी है, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल उन बुक्स पे लगाए हैं, आप उन्हीं को पढ़ें, वो आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज आपके माइंड के अंदर वो मेमोरीज जो है वो रिकॉल होती हैं जब आप सेम बुक्स को पढ़ते हैं। आप पहले वही बुक्स पढ़ी हुई हैं, सेम कॉन्सेप्ट आप किसी और किताब से पढ़ते हैं, आप थोड़े टाइम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप प्रीवियस बुक्स ही पढ़ें जो आपने कोर्स के दौरान पढ़ी हैं, जो आपने डिग्री के दौरान पढ़ी हैं, मास्टर लेवल की बुक्स पढ़ें, उसके अलावा BSc की बुक्स पढ़ लें, BS की जो नोट्स हैं आपके वो पढ़ लें, तो आपकी तैयारी जो है वो 80% पोर्शन की इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। बाकी रह गया 20% GK वाला पोर्शन, तो हम इस चैनल पे बैठे ही इस काम के लिए हैं कि आपको GK के लिए प्रिपेयर करें। अब आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, इस दफा जितने भी लेक्चरर के पेपर हुए हैं, मैंने कोशिश की है तकरीबन सबके, अगर मुझे पेपर मेरा सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं आया, मैंने उसकी वीडियो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं भी बनाई, तब भी मैंने उसके GK पोर्शन की वीडियो जरूर बनाई है। तो आप उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस ये पेपर्स में पूछता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने जो अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हैं, उनकी PDF कॉपीज भी आप हासिल कर सकते हैं। जो चैनल पे पहले से मौजूद हैं, जो हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो तंग आ चुके होंगे अब तक ये सुन सुन के कि हर वीडियो में यही बात करता है। तो डेफिनेटली आपको सारा कुछ बताने के बाद हमने भी तो अपना कुछ फायदा सोचना होता है। तो अगर आप हमारी जो PDF बुक्स हैं वो हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे 0336-716-0399 इस नंबर पे 200 रुपीज इसी पैसा करते हैं। मैं आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चरर के पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज की हमारी वीडियोस हैं, उनकी PDF जो है वो सेंड कर दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर से बेस्ट हो सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। उसके अलावा इसी नंबर पे आपको किसी भी किस्म की और गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैं हर वक्त हाजिर हूँ, आप पूछ सकते हैं। लेकिन किसी टाइम बिजी भी होता हूँ, तो उस वक्त फिर थोड़ा ख्याल किया करें, बार बार कॉल मत किया करें। एक दफ़ा आपने कॉल कर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं जब भी फ्री हूँ आपको उसी वक्त रिप्लाई कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।